उदल राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स। अरे नो खूनिया को अरे तोरण दा दोसा ए लगा दोसा ये बावली लगा दे आदे जी नो खूनिया साथे नरबलगढ़ के उसी समय सवई भोज बौली घोड़ी के पास में गए। बौली घोड़ी के हीरा जड़िया झिन चढ़ाया मोती का मोरा फेराया सवा लाख की कलंगी बांधी और राणा दुर्जन सिंह को खांडो हाथ में दे दियो। आपार फौजा जब निकासी के साथे जाने लगी आज या भवानी छज्जा के ऊपर खड़ी थी और दासी से करवा लागी बात कई तो भवानी केवे है और कई दासी सुने है। भोज बने भर दार हेता रे हीरा मारा भोज बने भर Presenting by Utal Raja Studio. आज मारा तोरण लगावा आया है घोड़ी बंगली का स्वार। दासी ने कहा कि भाई सा था कि बुद्धि नष्ट होगी कहीं आपने तो राणा प्रणवाया है। भवानी उसी समय दासी पे नाराज हुई के दासी तू बार बार राणा जी को नाम मत ले। सवाई भोज के खातिर दासी में वैकुंठ छोड़ के आई हूं मृत्यु लोक के माये। कई प्रकार के नौबत नगारा बजाए गए अरबों खरबों का हीरा मोती वहां चौबीस शिवगड़ावत में नरवलगढ़ में लुटाया गया लुटाया। जय श्री भगवान एड़ मारी रे बौली घोड़ी के बौली घोड़ी ने जाके और नोखुनिया मेल पे तोरण लगा दियो। आज उसी समय सभी भोज खांडो फेंक के और वापस पास आया। भवानी ने वो खांडो तोक के खुनिया में धर दियो क्या खांडा की जरूरत ही नहीं है भौरा ले चुकी हूं मैं तो। सात कुशलता से भाई साहब की जान का जीमणवार होया। जीमणवार होने के भाई साहब के विदा करवा का समय आया। विदा करे उस समय के ऊपर माता अपनी बेटी के सिसोजित ज्ञान वो भवानी जगत जननी माता
वो संसार सागर की रचैया उसको क्या ज्ञान दे, पर नहीं मृत्यु लोग के ऐसे खेले के ज्ञान देना पड़ता है। जैसे हथेला जुड़वाते थे और हथेला खुलवाते थे, उस समय का भी नियम है, हथेला तभी खुलाया जाता था कि पत्नी अपने पति से 5-7 वचन ले ले और पति अपनी पत्नी से 5 वचन ले ले। ये 7-5 वचन पूरा होने के बाद में उनका आखिरी को जो भौरा के बाद में फिर हथेला खुलवाता था। मात पिता ने छोड़ में चलूं तुम्हारे साथ पति, तुम्हारे मेल मेड़ी की चाबी रहेगी मेरे हाथ पर, कभी मेरा बाड़ा का उसी खाली मत रखना, तीरथ जाओ मुझे साथ ले जाना, यज्ञ हवन पूजन में बैठो मुझे साथ बिठाना, हमेशा मेरे सोलही श्रृंगार की रक्षा करना, मेरे आदर संस्कार पे चलना। अगर मेरे से कोई गुनाह हो जाए तो आप और मैं दोनों रहें, उस समय के ऊपर अपने बच्चे भी साथ नहीं होना। अगर मेरे से कोई गुनाह हो जाए नहीं तो मेरे शीश को काट लेना, पर अपने बच्चों के सामने भी मुझे गाली मत देना। ऐसे 7 वचन पत्नी लेती थी, 5 वचन पति लेते थे। आज से तुम तुम्हारे माता पिता को त्याग के मेरे साथ चल रही हो, हमेशा मेरे आदर संस्कार पे चलना, मेरी आयु के लिए तुम्हारे शरीर पे शोले ही श्रृंगार धारण, कभी अकेली बनु उपवन में घूमने मत जाना, कभी तुम्हारी सहेलियों के सामने मेरी निंदा मत करना। जो पत्नी अपने पति की निंदा करती है, अपनी सहेलियों के सामने उसकी बुराई करती है, उस पत्नी को अगले जन्म में बागड़ बनना पड़ता है।